चौकी चार बिलासपुर आज अपनी टीम के साथ बिलासपुर कस्बे में केनरा बैंक के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान दो बदमाश मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। जब उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया तो बहुत तेज़ी से उन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। जब उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें चौकी इंचार्ज अंकुश चौधरी के पैर में गोली लगी है। उनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पर वो खतरे से बाहर है, उनका इलाज चल रहा है। बदमाश जिस ओर भागे हैं वह कई थानों की फोर्स मौके पर उनका घेराबंदी करके उनकी कॉम्बिंग कर रही है। जल्द ही इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगाओ गाड़ी जल्दी लगाओ। आज शाम को 3 बजे चौकी क्षेत्र बिलासपुर थाना क्षेत्र धनकौर में सब इंस्पेक्टर अंकुर चौधरी को चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिन्हें रोकने पर उन्होंने सब इंस्पेक्टर अंकुर पर गोली चला दी जो उनके पाँव में लगी थी। सब इंस्पेक्टर अंकुर अब इलाजरत हैं तथा खतरे से बाहर हैं। कॉम्बिंग के दौरान इनमें से एक बदमाश विपिन नागर उर्फ JP को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उसे हथियार की बरामदगी के लिए दोबारा मौके पर लाया गया तो उसने पहले से छिपाए हुए हथियार को से का प्रयोग कर पुनः पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ कार्रवाई की, जो एक गोली उसके पैर में लगी है। इस समय वह उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा चुका है। ज्ञात हो कि इस अपराधी का पूर्व में विस्तृत आपराधिक इतिहास है तथा इस पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा चुकी है तथा यह दोनों जो अपराधी हैं इनके ऊपर लगभग एक दर्जन से अधिक बल्कि दो दर्जन के लगभग मुकदमे दर्ज हैं।